Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. In the last tutorial, we discussed about the all interpolation Newton's, that is forward and backward difference interpolation numericals, and also the table execution of the forward and the backward difference interpolation. So the next Newton's method of the interpolation is the divided difference. Before we proceed on the numerical, firstly you all will see the table of the divided difference table, that how to make that table in the divided difference numerical. That is same as process, is same as the forward and the backward difference, but a little bit different because its name is divided. And its name is divided, so we divided the terms into the divided difference. Same procedure, let us consider the values of y1, y2, y3, y4. For the four values, we can make the table with the function of y is equals to f of x. ये आप लोगों ने पिछले sums में भी देख लिया है कि हमें हमेशा यही function दिया होता है. And tabulated at the point of x1, x2, x3, x4. And necessarily equal spaced. So, ये वही point है. और इसमें हमने चार पॉइंट मार्क कर लिए हैं 1, 2, 3, 4, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4. सो जब आपने पहला प्रोसेस चलाना है अपने टेबल एग्जीक्यूशन के लिए, वो क्या होना चाहिए कि उसमें सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट करते थे इस टर्म को इससे, इसको इससे, इसको इससे. इसमें क्या है, करेंगे अभी भी सब्ट्रैक्ट, इसको इसके साथ, y2 को मार y1 के साथ, एंड इसको भी अब हमने साथ में लेके चलना है. पहले हम उसमें इसको साथ लेके नहीं चलते थे कोफैक्टर्स को, लेकिन इसमें अब हम साथ लेके चलेंगे. क्या करोगे आप पहले स्टेप में, y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2. फॉर द लास्ट प्रोसेस y4 माइनस y3 x4 माइनस x3, y4 माइनस y3, x4 माइनस x3. एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो टर्म एक कम हो गई. ये वही प्रोसेस है कि तब तक आपने टेबल रिकॉग्निशन में बनाते जाना है जब तक कि सिंगल टर्म नहीं बच जाती. अब हम आगे की तरफ चलते हैं, डेल्टा स्केयर की तरफ. ये देखिए, अब पिछले प्रोसेस से प्रोसीडिंग करना है, तो क्या डेल्टा dy2 माइनस डेल्टा dy1. बट ये किसको लेके बना था उसका ध्यान आपको बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस किस को लेके बना था. क्यों? क्योंकि ये देखो, ये हमारा सेकंड प्रोसेस था, तो इसमें x3 इंक्लूड हो चुका था. मतलब किस किस को माइनस करेंगे, x3 माइनस x1. स्टार्ट हुआ था x1 से, लेकिन बीच में माइनस क्या हुआ आपका, x जो है 1, तो इसलिए यहाँ पे आया है आपका x3 माइनस x1. फिर ये प्रोसीजर ऐसे ही डेल्टा dy3 डेल्टा dy2 माइनस कर देना है. बट ये किस किस को लेके बना था, एक तो x4 को, और ये स्टार्ट कहां से हुआ था आपका प्रोसेस, x2 से, इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ था ना. और फिर आ जाएगा x4 माइनस x2. जब आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करोगे डेल्टा स्क्वायर dy1 पे, तो डेल्टा स्क्वायर dy2 माइनस डेल्टा स्क्वायर dy1 तो बड़े अच्छे से आपको पता लग जाएगा, लेकिन अब ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ. सो ये पार्ट हमारा किस किस में इंक्लूडेड था, ये वाला और ये वाला. यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो तुम्हारे सारे पॉइंट्स बन जाते हैं. तो फिर माइनस क्या होगा, x4 माइनस x1. ये प्रोसेस है आपका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाने का, और दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड इंटरपोलेशन, बट दैट इज अगेन द मेथड ऑफ द न्यूटन्स इंटरपोलेशन. सो एज पर द शेड्यूल मैंने आपको ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का एग्जीक्यूशन बता दिया है, एंड एज पर द शेड्यूल आपको टुमारो भी एक नया एब्सोल्युटली न्यूमेरिकल भी मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो द चैनल इज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड द न्यूमेरिकल इज रियली हेल्पफुल इन द फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो. सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फील दैट. That is really helpful. Stay tuned for the more information and for the more numericals. Thank you.